हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एलील के बारे में। एलील के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन क्या है। तो जीन एक सेगमेंट है डीएनए का जो कि एक फंक्शनल प्रोटीन के लिए इनकोड करता है। जीन टर्म सबसे पहले जॉनसन दिया था 1909 में। अब हम बात करेंगे कि एलील क्या है। एलील एक जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी एक जीन दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंट वर्जन होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के। अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें तो उसमें दो हमें देखने को मिलते हैं एलील, एक टॉल होगा, एक डॉर्फ होगा। एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, एक रेसेसिव कैरेक्टर होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक जीन के दो ही एलील हो, एक जीन के दो से ज़्यादा एलील भी हो सकते हैं, जैसा कि ड्रोसोफिला के केस में होता है। ड्रोसोफिला के विंग्स में हमें तीन डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। एक नॉर्मल वाइल्ड विंग्स का है, एक वेस्टिजियल विंग्स का है और एक एंटलर्ड विंग्स का है। तो ये विंग्स के तीन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि तीन डिफरेंट डिफरेंट एलील हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के, जो कि विंग का शेप है। इस तरीके से एलील डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के। अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। एक ही टाइप के फ्लावर में अलग अलग तरह के कलर देखने को मिलते हैं। ये सब एलील के एग्जांपल हैं। अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ब्लड ग्रुप भी एलील का एग्जाम्पल है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एक एग्जाम्पल है। अगर हम एलील को दूसरी तरीके से डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एलील होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं सेम पोजीशन पे। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो कि शेप, साइज और सेंट्रोमेयर पोजीशन और अरेंजमेंट ऑफ जीन, इन सब मामलों में सेम होते हैं। लेकिन उनमें एलील की जो पोजीशन होती है वो भी सेम होगी, लेकिन डिफरेंट एलील्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जो एलील प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और वो सेम भी हो सकते हैं। जैसा कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का डायग्राम है जिसका शेप, साइज, सेंट्रोमेयर पोजीशन सब सेम है। इनमें अगर हम एलील्स की लोकेशन देखें तो वो सेम ही है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में, लेकिन एलील टाइप डिफरेंट है। अगर आप पहले में देखो हेट्रोजाइगस एलील प्रेजेंट है, मतलब पहले में डोमिनेंट ई है और दूसरे में रेसेसिव ई है, तो ये हेट्रोजाइगस एलील का केस है। अलग अगर हम देखें तो होमोजाइगस रेसेसिव एलील भी प्रेजेंट हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एलील एक जीन के भी प्रेजेंट हो सकते हैं अगर हम कैपिटल टी या स्मॉल टी की बात करें। एलील्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एलील्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं एक जीन के जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम पोजिशन में पाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।